हिमाचल में दस्तक दे चुके मानसून ने रह रहकर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बीते हफ्ते भी जहां आधी रात को आए तूफान की वजह से कांगड़ा में करोड़ों का नुकसान हुआ था, वहीं इस बार भी बीती रात को आई आंधी और तूफान ने खूब तांडव मचाया है। आंधी और तूफान की वजह से कांगड़ा में नेशनल हाईवे समेत कई लिंक रोड अवरुद्ध हो चुके हैं। जगह जगह लहासे गिरने से अब गाड़ियों की आवाजाही भी ठप हो गई है। नेशनल हाईवे 154 पर भी जगह जगह पेड़ टूटने से वाहन चालकों को वाहनों को निकालने में कड़ी मशक्कत के सामना करना पड़ रहा है। धर्मशाला कांगड़ा चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे पर जवाहर नगर के पास एक भारी पेड़ के गिरने से जहां बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है, वहीं दोपहिया वाहन चालक खुद वाहनों को उठा उठाकर वहां से निकाल रहे हैं। वहीं धर्मशाला में बने प्रदेश के एकमात्र शहीद स्मारक में भी लाखों रुपयों के नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। यहां हाल ही में भारतीय सेना के फाइटर जेट को डिस्प्ले किया गया था और आज उसी फाइटर जेट पर एक हैवी पेड़ गिर जाने से उसे बेहद नुकसान हुआ है। वहीं स्मारक में लगा डिवाइन धर्मशाला का बोर्ड इस बार भी तूफान की वजह से पूरी तरह से डैमेज हो गया है। उधर तूफान की चपेट में आए बिजली विभाग की सैकड़ों पोल भी मटिया मेट हो गई है, जबकि तारों का बिछा हुआ जाल भी जगह जगह से टूट गया है, जिसके चलते कांगड़ा के कई इलाके आधी रात से ही अंधकार के आगोश में आ गए हैं। इसके साथ ही खरीफ की फसल तैयार कर रहे किसान भी अब अपनी किस्मत पर रोने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि चंद दिनों में दो तीन बार आ चुके आंधी तूफान से उनकी फसल को भी मटिया मेट कर दिया है। किसान कृषि विभाग से फसलों को हो रहे लगातार नुकसान की गिरदावरी करवाने की गुहार लगाने लगे हैं। फिलहाल सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर आधी रात को आए तूफान की वजह से करोड़ों के नुकसान होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। बावजूद इसके अभी किसी भी प्रकार के जानी नुकसान की कोई सूचना नहीं है। सर, ये आपको दिख रहा होगा कि पायलट प्लेन है, इसके ऊपर जो भारी बारिश के कारण चील पड़ी है और काफ़ी नुकसान हुआ सर। इसके रोड के आगे भी नुकसान हुआ, रोड के पीछे नीचे तक रोड ब्लॉक हो गया था और इतनी ज़ोर से मतलब आवाज़ आ रही थी कि समझो कि ये गिरने वाला सब कुछ। और यहाँ बड़ी बड़ी चीलें हैं, मेरे अभी से तो गिराना चाहिए सर पहले से ही। इसके नीचे सर एक चील और गिरी है जो अभी अब दिख नहीं रही होगी, उसके आगे जो बोर्ड है जो धर्मशाला उसमें लिखा हुआ है वो बोर्ड भी टूट गया हुआ है। काफ़ी तूफान आया, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, सारे पेड़ गिर गए हैं, ऊपर धर्मशाला डिवाइन का बोर्ड था वो भी टूट गया है, एक फाइटर प्लेन लगाया था म्यूजियम में वो भी गिर गया है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और सारे रास्ते बंद हैं। धर्मशाला से कांगड़ा दिल्ली चंबा जाने का यही रास्ता है, ये रास्ता भी बंद हो गया है। तो प्रशासन को चाहिए कि जल्दी से जल्दी रास्ते को क्लियर कराए और जो पेड़ ऐसे नुकसान करने वाले हैं सड़क के आसपास हैं उनको जल्दी से हटाया जाए।